भाजपा की संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, किस प्रकार की जानकारी मिल पा रही है? जागृति, बिल्कुल साफ तौर से बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो कल बुलाई गई थी आज के लिए शुरू हो चुकी है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी शामिल है और साथ में सभी सांसदों को बुलाया गया है। इसका दो एजेंडा है। पहला एजेंडा ये है कि जिस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। और दूसरी अहम बात यह भी है कि इसमें विपक्ष के कोई सांसद नहीं है, यानी कि इसे ऑल पार्टी मीटिंग नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी के सांसद सभी शामिल हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये बैठक चल रही है और इस बैठक का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव बहुत कम समय बचा है और ऐसे में जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसे जनता तक, यानी घर 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 तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सरकार की इस 9 साल 10 साल का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो जनता तक पहुंचानी भी जरूरी है सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से, तो इसे कैसे पहुंचाया जाए, रणनीति कैसे बनाई जाए, उसके लिए ये बैठक बहुत अहम रूप से देखी जा रही है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उससे पहले तमाम बड़े बड़े नेता पहले ही मौजूद हैं वहां पर। बैठक शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है ये बैठक करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी और इसमें तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ सदन में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का निष्कासन या फिर उन्हें निलंबित किया जाना है, 2 शतक का आंकड़ा लगभग छू रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के सांसद जो एक तरह से बैठक कर रहे हैं और 2024 की रणनीति बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आज हम विरोध प्रदर्शन भी देख सकते हैं, इस बात की सुगबुगाहट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक शतकीय आंकड़ा मतलब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सांसदों के निष्कासन का। तो इस मुद्दे को लेकर भी आज पार्लियामेंट में बहस देखने को मिल सकती है और जाहिर सी बात है कि इतने भारी भरकम मात्रा में सांसदों का निष्कासन और एक तरफ बीजेपी के जो सांसदीय दल की बैठक चल रही है यानी 2024 का एजेंडा, तो हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर भी हमलावर हो। शाम तक एक और बात कही जा रही है, आज इंडिया घटक दल की बैठक है तो देश भर के जितने भी विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता हैं वो भी आज दिल्ली में पहुंचने वाले हैं, तो हो सकता है इस मुद्दे को लेकर वहां भी रणनीति बनाई जाए या फिर सरकार के अगेंस्ट वहां भी बयानबाजियां देखने को मिले। तो बैठक चल रही है, बैठक में अपडेट निकलकर सामने आएगी, 2024 की तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी। जी जी देवनाथ, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।